नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय आखिरकार सुमित बोलती हुई नजर आने वाली है कि ये कोई बात नहीं हुई रौनक की, कि रौनक लगातार मुझे टॉर्चर पर टॉर्चर और मेरा हाथ मड़ोर रहा है, मैं ऐसा सहन क्यों करूँ। हालाँकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राज पूरी तरीके से इस शादी के लिए खुश नहीं था और सुमित तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मासूम ने ये बोला था कि अगर सुमित शादी के लिए राजी नहीं होती है तो वाकई में सगुन मेरी बेटी यानी कि बानी की सगाई भी तोड़ देगी अपनी बेटे के साथ में। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मजबूरी बनी थी सुमित की आखिर हाँ करने के लिए, लेकिन दोस्तों अब कहानी और भी नया मोड़ लेती हुई नजर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन और कसमकस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कसमकस की स्थिति में इसलिए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो हो रहा है वो वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयानक होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हुआ है वो भी बिल्कुल एक अलग ही विपरीत परिस्थिति में है, क्योंकि जहाँ पर सगुन का खाली एक ही प्लान है कि किसी भी तरीका से इस लड़की से बदला लेना सुमित से। जी हाँ, क्योंकि मीत हुड्डा का बदला अब उसकी बेटी सुमित से लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुमित भी कमज़ोर नहीं है इतनी, क्योंकि सुमित को आता सब कुछ है लेकिन उसने अभी तक इन लोगों को अपना असली रूप दिखाया नहीं है। क्योंकि सुमित बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मेरे साथ में किसी भी तरीका की कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि वो मीत हुड्डा की बेटी हैं, और मीत हुड्डा की बेटी के साथ में कोई ज़बरदस्ती करे तो ऐसा तो पॉसिबल है भी नहीं। दोस्तों कहानी में वाकई में काफ़ी बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट भी देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट।